हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंडियन व्लॉगर लिम्रा। तो मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है। कैसे हैं आप सब? तो ये है मिंसू और भाइयों लोग का कैंप। बहुत अच्छा लगता है इन लोग जब एक साथ खेलते हैं, हाय कर रहे हैं। और ये समद कुछ गेम खेल रहे हैं और वो मिंसू बैठी हुई हैं। वैसे मिंसू बैठती नहीं है इन लोग के साथ गेम वेम में। हम पता नहीं क्या लगता है, ABCD देख रहे हैं, हमने नोट नहीं किया। और हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये हमने आहत को गिफ्ट किया था आहत के बर्थडे पे, तो आहत को बहुत पसंदीदा है। आए दिन जब अभी बीच में स्टोर रूम में रख दिए थे हम लोग, लेकिन फिर निकला हुआ है। और ये पतंग का सीज़न आने वाला है, मतलब अब तो भैया जनवरी में पतंग आसमान पे ही दिखेगी। मतलब यहाँ बनारस में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ती है। तो ये गली में बिक रही थी तो मिंसू ने ले लिया है और बोल रही है भाग कटे भाग कटे, जैसे आदमी लोग चिल्लाते हैं वैसे। और बाबा से कब से कह रही थी, समाधात को मास्क के लिए बोला गया था स्कूल से, तो उन लोग का नया मास्क आया था तो इनको भी चाहिए था। फिर मिंसू को भी, बाबा हमको भी चाहिए, हमको भी स्कूल जाना है। तो आजकल ये सब जिद है उनकी कि भैया लोग स्कूल जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। तो हम बोले बेटा अभी जब स्कूल जाने का टाइम आएगा ना, तब तुम रोओगी कि हमें स्कूल नहीं जाना है। तो हम नमाज़ पढ़े थे, पर हमने सोचा लाओ ये भाई बहन की जो मोहब्बत है, ये उनकी पतंग बना रहे हैं वो वीडियो में ऐड कर लें और बहुत अच्छा लगता है। और फिर अब व्लॉग तो व्लॉग ही हो है, एक तो आप लोग के साथ शेयर भी करना, और कभी भी दिल चाहेगा तो हम खुद देख सकते हैं कि मिंसू भी देख सकती हैं जब बड़ी हो जाएंगी। और फिर 12:30 हो रहा था घर टाइम, 1:15, हाँ मेरे ख्याल से। तो बहुत अच्छा ठंडा मौसम हो गया है यहाँ का, धूप नहीं निकल रही थी, बस हल्की सी धूप है, लेकिन फिर भी हम ऊपर आ गए। रैबर लोग बहुत शोर मचा रहे थे, तो मिंसू बोली हमको भी जाना है ऊपर। हाँ, तो हम मिंसू को लेके आ गए और हमने शुक्र अदा किया कि परवरदिगार इस बार हम चल फिर रहे हैं। मतलब 9 महीना इस बार हम, मतलब ऐसा नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं थी कि हम नहीं जा सकते आ सकते। और मिंसू के टाइम तो हमें बेड रेस्ट था, हम तो 1 महीना सिर्फ अपने रूम में थे, ना नीचे उतरे थे ना इधर भाभी के रूम में आते थे, कहीं नहीं हिलते थे, तो बहुत वो होता था। और मेरे रूम में बस थोड़ी सी धूप आती है, वो चेयर लगा के हम उतनी सी धूप लेते थे। तो वो भी एक मोहताज वाले दिन थे, और मतलब बैठ के नमाज़ पढ़ना, और वो जब दिन याद आ जाते हैं ना, कसम से मैं बड़ा तकलीफ़ होती है कि अल्लाह कभी किसी को मोहताज ना करे। क्योंकि उस टाइम हमें भाभी खाना ला के देती थी और ये कितना सारा काम करते थे, मतलब बहुत बुरा लगता था। इंसान कहता है ना कि पतन कब आराम के दिन आएंगे, और मगर कि ना काम करना हो हटो, ना सुबह की झंझट हो कि चाय बनाना हो, ये करना हो, बर्तन धुलना हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम औरतें ऐसा बोल देते हैं, सच में पता नहीं आप लोग बोलती कि नहीं बोलते, हम तो बहुत पहले बोलते थे हटो, पता नहीं कब दिन आएगा वो कि जब इंसान आराम करेगा, कि कुछ काम वाम का झंझट ना हो, बस खाली खाना पेश हो और बस अपना बस मोबाइल चलाओ और बस लेटो। तो मगर वो दिन आया भी तो इतनी बुरे अंदाज से, मतलब इतना बेड रेस्ट, और फिर किसी के इंसान मोहताज हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी बात तो यही बुरी है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है इस बार ऐसा कुछ ही नहीं था। और ये देख सकते हैं बगल में घर बन रहा है और अभी छत पड़ने वाली है, तो कुछ ना कुछ अभी इनके घर में भी, इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था तो इस वजह से ये घर रुक गया, और वरना बन गया होता। अब मिंसू लोग खेल रही है, उन लोग का खेलते हुए देख, तो हमने सोचा लाओ छोटा सा ही व्लॉग क्यों ना बना लें। और मिंसू को जो मिंसू स्वेटर ना, ये इनको कैप लगी हुई है पीछे, तो इस वक्त इनको बस यही स्वेटर पहनना है, हर वक्त इनको हटा के रखो, अगर दिख जा रही है तो मतलब यही पहनना है। तो बच्चे लोग की भी यही सब जिद होती है, और बचपना बड़ा अच्छा लगता है। हम भी बहुत ज़िद्दी थे, आप लोग थे कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग कितने ज़िद्दी थे ये भी बताइएगा। हम तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, तो बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी को परेशान किए। शुक्र है कि मिंसू हमें नहीं पड़ी है, मिंसू बाबा को पड़ी है, वरना हम तो भाई मिंसू को नहीं झेल पाते अपने आप को। मतलब और ये भी बोलते कि हम बस भैया अपनी एक ही बीवी को झेल सकते हैं, अपनी बेटी को तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं झेल पाएंगे। शुक्र है कि वो हमें पड़ी हुई है। ऐसे ही प्यार करते करते भी अपना काम कर लेती है, हमें तो हम तो इधर उधर कभी ध्यान देते नहीं, बच्चे में चलो खेल रही है खेल रही है, ऐसे माँ अस्करी के साथ करती है। वो हर चीज़ बीच में सेम उनका मुँह का चलने लगेगा। मातम कर, मातम कर, मातम कर।
और फिर ये ना इन लोग हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो बतूल है ना, बतूल प्यार करते करते में नाखून लगा लेती है और दांत काट लेती है। तो हमने कहा अरे कोई बात नहीं, अपनी बच्ची है। तो ये आजकल मैके आई हुई थी, तो मेरी नंद है ये, हम चचेरी नंद, तो हम ये भी ऊपर ही थी तो मिल गई, तो हम लोग बातचीत करने लगे। तो खैर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा था तो नीचे, तो इसकी वजह से इन्होंने सीमेंट लगा दिया बगल में से लाके, और मेरा छत बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि 8-9 महीने से कोई ऊपर आए ही नहीं, इसलिए कि कूलर रख जाता है ना सीढ़ी के पास, तो इस वजह से ऊपर आना ही नहीं होता है। तो अब कूलर हटा दिया गया है, तो इस वजह से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और ये मिंसू बगल में घर में चली गई है, ये मेरी बालकनी से उनकी बालकनी दिख रही है। तो फिर मिंसू का खेलने से बिल्कुल भी दिल नहीं भर रहा था, हम बुला रहे थे तो बोली नहीं हम चिड़िया उड़ खेल रहे हैं, और चिड़िया उड़ी और ये सब खेल रही थी। उसके बाद हम नीचे चले आए, हमें खाना खाना था, भाभी नहा रही थी, और हमने बनाया था काली मसूर की दाल, और बहुत सादा खाना था, अंडा तल दिया था और पापड़ था और मूली थी और चटनी थी, तो बहुत ही अच्छा हमें लगता है ये सादा खाना। हमें दाल के साथ ज़्यादातर पापड़ पसंद है, आप लोग भी बताइएगा आप लोग को पसंद है या नहीं पसंद है कमेंट्स में। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा खाना एकदम शुरू हो गया है, एक रोटी पहले खा लिए हम, और उसके बाद गरम 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 नया चावल बनाए थे जो घर से आया, अप्पी के यहाँ से आया हुआ था, तो बस देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो फुल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।